मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं जल्दी से आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि हमने एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। आप यहां पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको सभी हॉलीवुड मूवीज के लेटेस्ट डब ट्रेलर्स यानी कि हिंदी में, तमिल में और तेलुगु में देखने को मिलेंगी। तो कभी भी अगर कोई ऐसा ट्रेलर ड्रॉप होता है ऑनलाइन तो इस चैनल पे आपको वो सब ट्रेलर्स मिल जाएंगे, तो आपको यहां वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। पेशेंट जीरो को डायरेक्ट किया है स्टीफन रूज़ोविट्स्की ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं। मूवी में आपको काफी जाने पहचाने हॉलीवुड चेहरे नजर आएंगे अगर आप हॉलीवुड मूवीज के साथ में हॉलीवुड टीवी सीरीज भी देखते हैं तो, जैसे कि नैटली डोमर जिन्होंने डॉक्टर जीना रोज का काम किया है मूवी में, जिनको हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में एस मार्जरी टायरल के तौर पर देखा था, और गेम ऑफ थ्रोन्स में अपने पति की तरह बहुत ही बुरी मौत होती है इनकी। कुछ याद आया? एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट। इसमें जॉन ब्रैडली भी है जिनको अगेन हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था एज सैमुअल टर्ली। इसमें क्लाइव स्टैंडन भी है जो कि टेकन और वाइकिंग टीवी सीरीज में अपना जलवा दिखा रहे हैं करंटली। इसके अलावा इसमें मैट स्मिथ भी है जो कि अपने पर्सनालिटी से टोटली हटकर एक अलग ही अवतार में दिखते हैं हमें, और फाइनली स्टैनली टूसी जिनको हमने बहुत सारे सुपरहिट मूवीज में ऑलरेडी देखा है। सो मूवी की कास्टिंग काफी यूनिक और अच्छी थी, बट क्या ये मूवी अपने यूनिक कास्टिंग से और इस मूवी से हमें इम्प्रेस कर पाती है या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। स्टोरी है एक इन्फेक्शन की जिससे ह्यूमन बीइंग्स का नेचर बदल जाता है। वो मरते नहीं है मगर काफी स्ट्रांग और पावरफुल बन जाते हैं, एंड इवेंचुअली मूवी में ऐसे लोगों को इन्फेक्टेड नाम से बुलाया गया है। अब ये इन्फेक्टेड जो कि इन्फेक्शन के बाद में काफी स्मार्ट हो गए हैं, ह्यूमंस का शिकार कर उनका खून पीते हैं या उनको खाते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्योंकि बराबर बताया नहीं गया मूवी में, बट आई थिंक सो प्रोबेबली मोस्टली खून पीते हैं। अगेन नॉट क्लैरिफाइड इन द मूवी बट लेट्स कंटिन्यू। अब इन इन्फेक्टेड लोगों से बचने के लिए सारे ह्यूमंस अंडरग्राउंड हो जाते हैं और साथ में ही इस इन्फेक्शन का क्योर ढूंढने लगते हैं। अब इन ह्यूमंस के बीच में एक ऐसा आदमी है जिसको इन्फेक्टेड ने बाइट तो कर लिया था बट ये कभी टर्न नहीं हुआ, इसके खून में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये टोटली इन्फेक्टेड नहीं हुआ। ऑफकोर्स ये आदमी और कोई नहीं, हमारे हीरो है यानी कि मैट स्मिथ। अब ये क्यों इन्फेक्टेड नहीं हुए ये किसी को पता नहीं, मगर इनके अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई कि ये इन्फेक्टेड से उनकी भाषा में बात कर सकते हैं। अब इनकी मदद से ह्यूमंस इन्फेक्टेड को टॉर्चर करके उस पेशेंट जीरो के बारे में यानी कि सबसे पहले जो आदमी इन्फेक्ट हुआ था उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उससे इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सके। इसलिए इस पूरे मूवी का नाम है पेशेंट जीरो यानी कि वो आदमी जिससे इन्फेक्शन का क्योर मिल सके। सो क्या ये लोग पेशेंट जीरो को ढूंढ पाएंगे या नहीं, और अगर ढूंढ लेते हैं तो क्या ये क्योर बना पाएंगे या नहीं, और अगर क्योर नहीं बना पाते तब फिर ये लोग क्या करेंगे, यही स्टोरी है मूवी की। मूवी 1.5 घंटे की है और स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही काफी ब्रीफ में पूरी दुनिया के इन्फेक्शन के बारे में बता दिया गया है कि कैसे इन्फेक्शन फैला, और मूवी सीधा 2 मिनट के बाद वहां खड़ा कर देती है जहां पर ये लोग क्योर ढूंढ रहे हैं। मूवी में कोई सीजीआई इफेक्ट्स नहीं है, सब एक्चुअल लोकेशन पे शूट हुआ है। थोड़े बहुत ग्राफिकल इफेक्ट्स है बट डोंट एक्सपेक्ट मच। इस मूवी की स्टोरी सबको यही लगेगी कि इन्फेक्शन हो गया है और क्योर ढूंढ रहे हैं, जो कि हमने काफी सारी मूवीज में देखा है, जो कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कुछ इसी टाइप की मूवी ये भी है। बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी इवन आई वॉज शॉक्ड कि मूवी को कितने स्मार्ट तरीके से ट्विस्ट कर दिया गया है। सो आई विल गिव क्रेडिट टू द स्क्रिप्ट राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ द मूवी फॉर ट्विस्टिंग द स्टोरी ऑफ द मूवी इन द एंड। मूवी में थोड़े ग्राफिक सीन्स हैं, अगेन थोड़े शॉकिंग बट नथिंग जो कि हमने पहले न देखी हो। मूवी का आधा घंटा काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग है जो कि काफी फास्ट पेस पे चलता है, मगर आधे घंटे के बाद से मूवी काफी स्लो हो जाती है विच इवेंचुअली पिक करती है मूवी के लास्ट हाफ एन आवर में, अगेन जहां पर कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया जिससे हम इम्प्रेस हो सके। और अगेन जहां पर मैं टोटली डिसअपॉइंट हो गया वो थी मूवी की एंडिंग। वो एक्शन नहीं मिला जो एक्सपेक्टेड था और वो एंडिंग भी नहीं मिली जिससे मैं सेटिस्फाइड हो सकूं। जब से मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था तब से मैं इंतजार कर रहा था कि यार कब मुझे ये मूवी देखने के लिए मिलेगी, एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी, बट मूवी देखने के बाद में आई वॉज डिसअपॉइंटेड। अपार्ट फ्रॉम दी एक्टर्स ए लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट इन द स्टोरी इन द एंडिंग दिस मूवी ऑफर्स यू नथिंग। सो मेरी तरफ से आप ये मूवी देख भी सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट ये मोस्टली उस कैटेगरी में पड़ता है जहां पर आपको इसे एक बार देख लेना चाहिए। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 5.5 आउट ऑफ 10।
तो आपको हमारा ये मूवी रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।